बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है। जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुई तब से बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी आरजेडी पर कम, नीतीश पर कुछ ज्यादा ही हमला बोल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज का रंग दिखने लगा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने बिहार में पिछले 24 घंटे में घटित आपराधिक वारदातों को आधार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनते ही राज्य में अपराध के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। एनडीए से नाता तोड़कर जैसे ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया, बिहार के लोग एक बार फिर भय के साए में जीने लगे हैं। आरजेडी की गोद में बैठी जेडीयू के साथ महागठबंधन आया तो उसके साथ गुंडा राज भी आ गया। नीतीश कुमार को पलटू राम से लेकर भटकू राम की संज्ञा देने वाले नित्यानंद राय ने लिखा है कि जगह जगह से दुष्कर्म, लूट, अपराध की खबरें आने लगी है। इसलिए आरजेडी के साथ गए थे ना नीतीश कुमार जी, जवाब दीजिए। नित्यानंद राय ने अपने ट्वीट के साथ एक पोस्टर भी लगाया है जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में किन किन जिलों में कौन कौन से अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, मुजफ्फरपुर में व्यवसायी के घर से 40 लाख की संपत्ति की लूट, जमुई में पत्रकार गोकुल यादव की हत्या। इसके अलावा भी उस सूची में पटना के बाकरगंज में एक आभूषण दुकान से 6 लाख रुपए चोरी सहित कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुजफ्फरपुर के औराई, पटना के फतुहा, बाढ़ में हत्या, लूट और बलात्कार के कई मामलों का जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पलटू राम को जनता पहचान चुकी है, जंगल राज को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 24 घंटे के अंदर बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। नीतीश सुविधा की राजनीति करते हैं। जो जेडीयू अपने बूते मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, वह पीएम बनाने का सपना देख रही है। बता दें कि नीतीश कुमार मंगलवार को बीजेपी से अलग हो गए थे, बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बुधवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह बुधवार से बिहार में महागठबंधन की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।